नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर पर। लेट्स स्टडी टुगेदर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। देखो, मुझे सिर्फ आपकी 5 मिनट चाहिए। इस 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट का हुआ क्या, क्योंकि कमेंट्स जो हमारे राजस्थान पटवारी के जितने भी हमने वीडियो डाल रखे थे, हमने तकरीबन 7-8 दिन रेगुलर क्लास भी लगवाई थी, लेकिन वो क्लासेस इसलिए बंद हो गई क्योंकि कोई नोटिफिकेशन का कोई सूरत दिख नहीं रही थी और नोटिफिकेशन आने के भी चांसेस नहीं थे क्योंकि इलेक्शन थे। इसलिए हमने वो 7-8 वीडियो 7-8 दिन की क्लास के बाद बंद कर दिए, वरना हमारे करीबन 40+ वीडियो पड़े हैं राजस्थान पटवारी ओरिएंटेड ओरिएंटेड, और मैं और भी कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि कमेंट ये आते हैं, सर कब कंटिन्यू करवाओ, पूरा करवाओ। अब कंटिन्यू तब करवाएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाए। अब नोटिफिकेशन भी मैं ढूंढ रहा था। देखो, मैंने बहुत सारे देखे कि सब बोल रखे थे अब जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। असल बात यह है कि राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट अब 2019 होगा इसका नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी या मार्च में, या जब भी फेब एंड में या मार्च स्टार्टिंग में आ सकता है, लेकिन ये अनुमान है, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है। अब आपकी प्रिपरेशन का क्या होगा, ये भी सवाल उठता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी तो प्रिपरेशन करो, 40+ वीडियो जो डाल रखे हैं उनको देखते जाओ, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू कंटिन्यू एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लिए पटवारी, राजस्थान पटवारी का वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट कर लेंगे जैसे कंप्यूटर हुआ, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं राजस्थान पटवारी, क्योंकि राजस्थान पटवारी नोटिफिकेशन का यदि रिक्रूटमेंट का किसी को पता होता तो वो अभी तक वीडियो क्लासेस क्लासेस वगैरह चालू हो चुकी होती। और ये अभी तो RSMSS भी पे मैंने फोन भी किया, यहाँ पे इन पे जब इन्फॉर्मेशन आएगी, इनके पास जब आएगी कि हाँ इतनी वैकेंसी निकालनी है, तब ये जारी करेंगे। फोन पे आप भी फोन कर सकते हो, RSMSS की साइट पे जाओ, वहां पे नंबर मिलेंगे, फोन करके पूछ लो। फोन करके उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हम कुछ आपको प्रॉमिस कर सकते हैं। तो ये जितना भी भ्रम फैल रहा है कि राजस्थान पटवारी के 2015 का अभी वो हुआ, 2018 ये होगा, नहीं कुछ नहीं है। देखो, अभी मैं इसलिए बताने आया हूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। एक ने तो कमेंट ये कर रखा था, सर पूरा नहीं हो रहा था, क्यों वीडियो का डाल रखे हो। मैंने कहा भाई नोटिफिकेशन आ जाए तो पूरा कर देंगे। एक कमेंट ये था कि सर पूरा करवा दीजिए प्लीज, हमें कब टाइम मिलेगा। भाई यदि नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हें टाइम भी दिया जाएगा, डोंट वरी। अब मैं नोटिफिकेशन से पहले वीडियो डाल दूं, फिर नोटिफिकेशन आने के बाद क्या दूंगा आप लोगों को। भाई नोटिफिकेशन आने के बाद असली तैयारी होती है ना, तो अभी से उतावले मत हो। 40+ वीडियो डाल रखे हैं, 40 तकरीबन 40 से ज्यादा वीडियो डाल रखे हैं, उनको देखो, बार बार सुनो, और यदि उनमें कुछ नहीं समझ में आता कि सर ये चीज हमारे इसमें समझ में नहीं आई तो कमेंट करो। आप ये कह रहे हो कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखो ना मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ सिर्फ सरकार को पता है, और सरकार जब भी बताएगी तो सबको बताएगी, डोंट वरी। उसके बारे में जल्दीबाजी करना नहीं, तैयारी करते रहो। आपको लगता है कि सर बुक्स बता दो तो मैं बुक्स बता देता हूं, आप बुक्स के लगे रहो। आप बेसिकली राजस्थान की 10वीं 11वीं की जो किताब है उनको उठा लो और उनको बार बार पढ़ते रहो। 10वीं 11वीं की किताब अभी के लिए तुम्हारे लिए मोर देन सफिशियंट है, और कंप्यूटर की कोई भी बेसिक कंप्यूटर की बुक आप उठा लो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको कंप्यूटर की बुक प्रोवाइड करा दूं, तो जिस दिन कंप्यूटर की बुक अपनी आ जाएगी हिंदी में, ठीक है, उस दिन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तब आप ये कंप्यूटर की बुक देख लेना। अभी के लिए आप एक काम करो, 10वीं और 11वीं की किताब उठा लो और उसी को रिपीट पे करते जाओ, और 40+ वीडियो दे रखे, कम नहीं दे रखे। जो कंसेप्चुअल वीडियो है जैसे मैथमेटिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इनको लगाते जाओ। आपको लगता है कि सर हमें प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा दो, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी कंपाइलेशन दे दूं, लेकिन दूंगा तब जब नोटिफिकेशन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि आने वाला है। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन जब आएगा तभी यहाँ टीचर्स में
वो होगा कि हाँ जी पढ़ाना चाहिए, अभी क्या सभी ढीले चल रहे हैं, डाल दिया तो ठीक है, नहीं डाल दिया तो, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। और इसीलिए मैंने पूर्ण रूप से लगाम लगा रखी थी कि राजस्थान पटवारी का कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे लेट्स स्टडी टुगेदर पर, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक भ्रम में नहीं डालना। और यही क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े तो कमेंट कुछ कुछ के तो भयंकर ही कमेंट आ रखे थे, मैं दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे, ऐसे कमेंट आ रखे थे सर करवा दो, ये नहीं करवाओगे तो ये वो कर दूंगा ये, तो देखो मैं नोटिफिकेशन आ जाए तब कंटिन्यू करवा दूंगा। सभी टीचर्स तैयार हैं, यहाँ तक कि सभी वीडियोस भी तैयार है, आपके लिए एडवांस में वीडियो तैयार कर दिए गए हैं, बस इंतजार है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आते ही हम जरूर बता देंगे, ठीक है। ये राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट 2019 का क्लैरिफिकेशन है। देखो अभी किसी को कोई नहीं पता, और मैंने आपके 5 मिनट इसलिए लिए हैं ताकि आपको जितने भी भ्रम फैला रही वो चीजें, आप सिर्फ इन बुक्स पे लग जाओ, 10वीं और 11वीं की किताब ले लो, कंप्यूटर की कोई बेसिक बुक पकड़ लो, और मैथ्स की आप पहले तो सिलेबस उठाओ, हमने सिलेबस करवा भी रखा है, वहां सिलेबस उठाओ जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, मैथ्स की बिल्कुल बेसिक किताब आती है, बिल्कुल बेसिक किताब आती है वो उठा लो, कोई भी पब्लिकेशन की मैं नहीं कर रहा, हमसे ही लो, किसी से भी ले लो, राजस्थान पटवारी की बेसिक किताब उठा लो, और उसमें जो हमने करवाए हैं, जो 5-10 जो मतलब 7 करीबन मैथ्स के वीडियो डले हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और जीएस वाला जो पार्ट है जैसे राजस्थान का जीके, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, ये भी हमने कुछ हद तक करवा रखे हैं, दोबारा करवाऊंगा। मैं फिर से बता दूं, अभी के लिए जो है उन चीजों से आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर प्रैक्टिस कर लो, और ना ही पूरा टाइम राजस्थान पटवारी को देने की जरूरत है, अभी पूरा टाइम राजस्थान पटवारी को बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, क्या पता वैकेंसी कब आए, क्या पता कितनी लेट आए, आप और एग्जाम्स में दिमाग लगाओ, जो एग्जाम आने वाले हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है उन एग्जाम्स में दिमाग लगाओ। मैं नोटिफिकेशन का बना दूंगा कि किन किन एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या क्या एग्जाम आप भर सकते हो, क्या क्या चीजें चाहिए वो बना दूंगा, तो आप अभी राजस्थान पटवारी के लिए उतावले मत हो, लेकिन आपको लगता है कि कंटिन्यू रखनी चाहिए तैयारी तो जितने वीडियो डाल रखे वो लो, और प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कहीं भी 10-20 रुपए 30 रुपए का मिलता है जिसमें पिछले जितने भी सवाल आए वो सवाल उनको लगा लो, उनकी प्रैक्टिस करो, सवालों की प्रैक्टिस करो अभी के लिए तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि भ्रम में जियोगे, जरूरी नहीं जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, एक अनुमान है कि फरवरी मार्च के बीच में आएगी, अब ये भी अनुमान ही है, तो अनुमान अनुमान ही रहते हैं, तो इसमें चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगली बार, और जो मैं करंट अफेयर्स डेली के डाल रहा हूं इन करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिए, ये जो इस साइड में कोने में करंट अफेयर्स लगा रखे हैं ये देख लो, और मैं ऊपर ये वीडियो भी डाल दूंगा कि कौन कौन से वीडियो अपने राजस्थान पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स अपने कंटिन्यू रखो, नोट्स बनाओ डेली करंट अफेयर्स के जो भी तुम्हारे कारण, क्योंकि मैसेज मेरे पास ही आते थे सर हिंदी में बना दो प्लीज, तो भाई मैं हिंदी में करंट अफेयर्स प्रयास कर रहा हूँ, हिंदी में करंट अफेयर्स रेगुलर है, उनको उठाओ देखो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, मैं जब जब पढ़ाऊंगा उस समय राजस्थान पटवारी के लिए टिक भी करवाता जाऊंगा, तो करंट अफेयर्स जरूर देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।